और रिहायशी इलाकों से 100 मीटर की दूरी से कम पर नहीं खोली जा सकती। लेकिन दिल्ली में एक तो इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसमें रिहायशी इलाका उड़ा दिया। अब उसमें सिर्फ ये लिखा है कि स्कूल, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, अस्पताल, उससे 100 मीटर दूरी से कम पर कोई शराब का ठेका नहीं दिया जा सकता, खोला जा सकता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हर जगह हम ये देख रहे हैं कि इसका उल्लंघन हो रहा है। ये शराब की दुकान इस मंदिर से 20 मीटर से भी कम दूरी पर है। ज्यादातर जगह हम ये देख रहे हैं कि जो नए ठेके खोले गए हैं रिहायशी इलाकों से 20 मीटर दूरी पर हैं। कहीं मंदिर है, कहीं स्कूल है, कहीं अस्पताल है, उसके ठीक बगल में शराब के ठेके खोल दिए गए। तो अब सवाल है कि हम लोगों को क्या करना है। इस देश में ये देखा गया है कि जब जब लोग संगठित होकर जोर से अपनी आवाज बुलंद करते हैं किसी भी समस्या के ऊपर, तो सरकार को, व्यवस्था को झुकना पड़ता है। हम लोगों ने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था। ये देखिए, ये पांचवी जन सुनवाई है इस शराब के मुद्दे पर, शराब के ठेकों के ऊपर। हम लोगों ने पहले कोटला मुबारकपुर में करी, उसके बाद करावल नगर में करी, उत्तम नगर में करी, विकासपुरी में करी, बुराड़ी में करी, ये छठी है। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि देखिए, जनता की बात सुनिए, जहां जहां आपने ठेके रिहायशी इलाकों के पास खोल दिए हैं, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के पास खोल दिए हैं, उनको तुरंत बंद करिए। जहां लोग अपोज कर रहे हैं उनको तुरंत बंद करिए। और किसी भी हालत में 11 सितंबर तक ये ठेके जहां जहां लोग अपोज कर रहे हैं बंद हो जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक ये बात नहीं मानी। एक, जैसा अनुपम ने बताया, एक लोगों को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि इस साल हम और कोई नए ठेके नहीं खोलेंगे, और जहां जहां रिहायशी इलाकों के लोग इसको अपोज करेंगे वहां वहां हम शिफ्ट कर देंगे। अब इस साल मतलब मार्च तक नहीं खोलेंगे, मार्च क्योंकि फरवरी में पंजाब का चुनाव होना है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम नए ठेके अब पंजाब के चुनाव तक नहीं खोलेंगे, उसके बाद खोलेंगे। लेकिन दूसरा जो वादा किया था कि जहां जहां लोग अपोज करेंगे वो हम बंद करेंगे, उसके लिए तो पहले स्वराज का कानून बनाने की जरूरत थी, स्वराज का बिल पास करने की जरूरत थी, जिससे कि लोकल मोहल्ला सभा को ये कानूनी हक मिले कि अगर मोहल्ला सभा ये कहती है कि भाई हम नहीं चाहते यहाँ पर शराब का ठेका, तो उसको बंद किया जा सके। वो कानून तो उन्होंने बनाया नहीं, जन लोकपाल का कानून भी नहीं बनाया। देखिए, आज हर चीज में मोदी सरकार के खिलाफ ये बोलते हैं, लेकिन ये जो जन लोकपाल का मुद्दा है, लोकपाल का जो मुद्दा है, इस पर कोई आवाज नहीं उठती। इस पर मोदी सरकार, बैठ जाइए बैठ जाइए, कोई 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 वो नहीं हो रहा, आराम से बैठिए। हर चीज पर आज केजरीवाल जो है मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, लेकिन एक चीज पर नहीं बोलता। आप गौर से, ध्यान से उसकी बातें सुनिए। लोकपाल के बारे में नहीं बोलता, स्वराज के बारे में नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता कि भाई मोदी जी हमको लोकपाल का कानून बनाने नहीं दे रहे हैं। उसने एक लोकपाल का बोगस बिल पास कर दिया, जिसमें ये लिख दिया, जानबूझ के ऐसा लिख दिया,
कि दिल्ली का लोकपाल केंद्र सरकार के अफसरों की भी जांच करेगा, केंद्र सरकार के मंत्रियों की भी जांच करेगा, जो हमारे जन लोकपाल बिल के बिल्कुल खिलाफ था। और ये जानबूझ के लिख दिया गया क्योंकि उसको पता था कि भाई ये कानून केंद्र सरकार से अप्रूव होना पड़ेगा और ऐसा कानून अप्रूव हो नहीं सकता, तो इसलिए वो चाहता नहीं था कि दिल्ली में लोकपाल बने। जैसे मोदी नहीं चाहता कि केंद्र में लोकपाल बने, ढाई साल हो गया, पौने तीन साल हो गया कानून बने हुए, पौने तीन साल के बाद भी आज तक केंद्र में लोकपाल का गठन नहीं किया गया है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य में भी दिल्ली के लोकपाल का गठन नहीं किया गया और इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। उसी तरह से स्वराज के कानून के बारे में भी दिल्ली सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही, कोई आवाज नहीं उठा रही, सब संतुष्ट हैं कि हाँ भाई आराम से बैठो, स्वराज का कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और इधर से बैठ के बस जुमलाबाजी करते रहो, ये कहते रहो कि भाई हम अगर लोकल लोग विरोध करेंगे तो फिर हम शराब के ठेके हटा देंगे, जबकि आपने उसका कोई कानूनी हक ही नहीं दिया। तो अब दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये समय आ गया है कि अब हम लोग इसकी बागडोर अपने हाथ में लें और अब हल्ला बोल होगा, अब जगह जगह हल्ला बोल होगा। जिन जिन ठेकों पर ऐसे जगह ठेके खोले हुए हैं जहां पर लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, वहां पर अब हम लोग एक एक करके एक एक ठेके के सामने हल्ला बोल करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा ये हल्ला बोल, ये धरने की तरह होगा और हम लोग वहां तब तक हल्ला बोल रखेंगे जब तक वो ठेका बंद नहीं हो जाता। पहला हल्ला बोल यहीं से शुरू होगा, इस ठेके से शुरू होगा, आज ही शुरू होगा। ये याद रखना है, हम लोग पहले जो ठेके का मालिक है उससे जाकर बात करेंगे, उससे बताएंगे कि ये प्रस्ताव आज यहाँ पर पारित हुआ है जिसमें लोगों ने, यहाँ के लोकल रिहायशी लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि ये ठेका आज ही बंद होना चाहिए। अगर ठेके का मालिक मान गया, उसने बंद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसने नहीं बंद किया तो यहाँ के लोकल लोग उसके सामने पिकेट करेंगे, उसके सामने हल्ला बोल करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि यह बंद हो। और इसके बाद एक एक करके दिल्ली में जहां जहां लोगों के इच्छा के विरुद्ध ठेके खुले हैं, खोले गए हैं, चल रहे हैं, उसमें ये याद रखिए, इस हल्ला बोल में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से लोग जो हैं वहां जाकर उसके उस ठेके के सामने पिकेट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे स्थानीय लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ मांग कर रहे हैं कि ये ठेके हटाए जाएं, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो इस जनशक्ति के सामने सरकार को और इन ठेकों को झुकना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा जब कमाने वाला खाएगा, ठेका यहाँ से जाएगा और नया